मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को शब्द पढ़ाई थी, पिछली क्लासेज में शब्द पढ़ाई थी और पिछले क्लास में विकारी शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में विकारी शब्द क्या है, तो वाक्य में प्रयोग करने पर शब्द के जिस रूप में विकार यानी परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं आता है यानी विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया है। और अविकारी शब्द में जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो मैं अविकारी शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। अविकारी शब्द में चार हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द क्या है, अभी मैं बता चुकी हूँ। अविकारी शब्द चार है, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं।
क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बालक धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक है, बालक जो है वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो यहाँ क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले, तो यहाँ दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो धीरे धीरे है ये, तो ये विशेषण हुआ या क्रिया की विशेषता यह है कि वह मतलब दौड़ना, दौड़ता तो है धीरे धीरे दौड़ता, ठीक है, ये इसकी विशेषता। तो क्रिया की यह विशेषता बताई गई, यहाँ पे बताया गया वह तेज तेज चलता है, चलना क्या हो गया? क्रिया हो गया, तेज तेज चलता है, तो चलना क्रिया हुआ और यह इसकी विशेषता है कि यह चलता तो है लेकिन तेज तेज चलता है, ठीक है। यहाँ पे विशेषण तेज और धीरे धीरे, चलना और दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया, बालक और वह बालक क्रिया हो गई, ये करता हो गया, संज्ञा हो गया, बालक संज्ञा हुआ सर्वनाम, ठीक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक, मतलब दो शब्द और वाक्य, राम और श्याम, ये दो शब्द हुआ, इन दो दोनों मित्र रहते, इन दोनों को जोड़ा गया तो यह समुच्चय बोधक कहलाया। चावल दाल और सब्जी, ये तीनों के बीच संबंध जोड़ा गया, चावल दाल और सब्जी, ठीक है, मुझे पसंद है, ठीक है, ये क्या कहलाया? समुच्चय बोधक। इसमें दो तीन शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है। संबंध बोधक,
या संबंध बोधक, जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। जैसे चोर के पीछे सिपाही भागा, मेरे घर के सामने पार्क है, क्या है, संभव, जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाने के लिए किया जाता है, तो क्या, चोर के पीछे सिपाही भागा, चोर और सिपाही यहाँ संज्ञा है, इन दोनों का, चोर जो है, सिपाही जो है चोर के पीछे भागता है, तो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया गया, संज्ञा है इसका संबंध दिखाया गया, दोनों के बीच संबंध है, चोर और सिपाही के बीच, सिपाही जो है चोर के पीछे भाग रहा है, ठीक है, मेरे घर के सामने पार्क, यहाँ घर और पार्क में संबंध दिखाया गया, घर और पार्क के बीच संबंध दिखाया गया, ठीक है। विस्मय हर्ष दुख घृणा आदि जो शब्द विस्मय हर्ष दुख घृणा आदि भाव को प्रकट करते हैं, आदि भाव को दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक, विस्मय मीन्स भूलना, ठीक है, और विस्मय आदि वो, ठीक है, जैसे वाह क्या का मारा, शी कितनी गंदगी है, क्या है, जो शब्द विस्मय हर्ष दुख घृणा आदि भाव को प्रकट करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं, जैसे वाह क्या छक्का मारा, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, तो इसमें आश्चर्य से खुशी से बोला जा रहा है, क्या खुशी से क्या छक्का मारा, छी कितनी गंदगी है, तो छी मतलब यहाँ पे घृणा दिखाया जा रहा है, गंदगी है के प्रति घृणा दिखाया जा रहा है, छी कितनी गंदगी है, ठीक है, तो
विकारी शब्द और अविकारी शब्द हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, आपका शब्द कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, शब्द में को चार आधार पर बांटा गया है ना, अर्थ के आधार पर, पत्ती के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, वो चारों कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही है, ये आप याद कर लीजिएगा, विकारी शब्द और विकारी शब्द के दो प्रकार, ठीक है, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है।